तो देखो, मर्दों को जिस स्त्री का इंतज़ार था वो आ चुकी है। और भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये स्त्री बहुत खूबसूरत लगी है मुझे पर्सनली। एंड इस यूनिवर्स में भाई इसने एक रेवोल्यूशन लाया है, जो कि काफ़ी अच्छे कैमियोज भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो सेंस बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हमने कुछ अच्छा देख लिया हो, या फिर जैसा आज तक कुछ नहीं देखा हो, या बहुत हॉरर में इसने कुछ जान फाड़ कर दिया हो। बट हाँ, इस मूवी की कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट इट्स नॉट ओनली अ कॉमेडी मूवी, बट ये मूवी मेरे लिए भाई बस सिर्फ एक ज़्यादातर हॉरर कम और कॉमेडी मूवी ज़्यादा बन के रह गई है, प्लस कुछ हॉरर एलिमेंट्स के साथ। हाँ, इसमें सरगटा और बाकी सब की स्टोरी लाइन जो देखने के लिए मिली है, स्त्री का जो कनेक्शन देखने के लिए मिला है, वो सब काफ़ी अच्छा है। कैमियोज हमारे मुंजिया भेड़िया से जो कनेक्शन देखने के लिए, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, सेंस बनाते हैं, स्टोरी में अपना वैल्यू रखते हैं, और उनका फ्यूचर भी अच्छा दिखता है। लेकिन भाई, जितना लोग इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं ना अभी, कि भैया इसको मत मिस करो, बहुत भयंकर है, हाँ इसका थिएटर एक्सपीरियंस अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई मूवी कोई मास्टरपीस बन के बाहर आ गई है, कि भाई तुमने इतने पोस्टर छाप दिए। एंड मैं देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ इस मूवी की, बस यार होता है कि भाई मुझे अगर तुम एक हॉरर कॉमेडी चीज़ दिखा रहे हो, तो मैं हमेशा हॉरर कॉमेडी एक्सपेक्टेशन मेरी रहती है भाई भूल भुलैया जैसी, क्योंकि वो मूवी अपने हॉरर एलिमेंट प्लस अपनी कॉमेडी को बहुत ऑनेस्टली अडेप्ट करती है। मूवी कैसे अपना रंग बदल लेती है एकदम हॉरर जॉनरा में, वो भाई तुम फील कर सकते हो, तुम भूल जाते हो कि भाई ये कॉमेडी मूवी भी थी। एंड अगर आज भी कोई हॉरर कॉमेडी मूवी बन रही है, तो भाई उस एटमॉस्फेयर को तुम मेंटेन कर सकते हो, जो कि इस मूवी में ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि ये मूवी ज़्यादातर अपने आप को हर चीज़ में कॉमेडी बेसिस ही रखती है। सो यस, इट्स अ एंटरटेनिंग मूवी, थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी है, काफ़ी CGI, थोड़ा VFX इधर उधर है, मगर देखो वो चलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि भाई मैं मूवी को कभी भी अगर लो बजट है, तो मैं उसको VFX और CGI पे जज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए उसमें बस एक अच्छी स्टोरी जो सेंस बनाए और हर चीज़ का थोड़ा लॉजिक मिल जाए, बस काफ़ी है। क्योंकि इस मूवी की USP पहले तो देखो VFX CGI है ही नहीं, तो उस बारे में देखो बोलना बहुत गलत है, जो कि बहुत लोगों ने बोला है कि भाई इस मूवी का VFX और CGI सरकटा का, वो चीज़ें थोड़ा एनिमेटेड लग रही हैं, एंडिंग का पूरा क्लाइमेक्स सीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कार्टूनिस्ट लग रहा है, तो भाई इतना मत ध्यान दो। बट हाँ, वो देखो काफ़ी अच्छा फील देता है, उसको देखने में मज़ा बहुत आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यार ये मूवी बहुत अच्छी बन के निकल चुकी है। मूवी को और शायद अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन ये भी डर था कि इस मूवी को और ज़्यादा छेड़ा गया तो ये शायद जितनी अच्छी बन चुकी है ये उससे भी ख़राब हो जाती। बाकी अगर देखो कंपैरिजन करूँ, तो भाई मेरे लिए आज भी भूल भुलैया से बेटर हॉरर कॉमेडी कोई भी मूवी नहीं है। बाकी कोई और भी मूवी हो सकती है, शायद मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, बट मेरे लिए ये मूवी एक हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा बन के निकलती है। इस मूवी के भाई जो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छी बैक स्टोरी दी गई है, कनेक्शंस काफ़ी अच्छे रह गए हैं। पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर भाई शाइन मार के बाहर आता है, हमारे कैरेक्टर्स को भाई इसमें थोड़ा डेवलप होने का टाइम दिया है, उनकी स्टोरीज को भी भाई काफी सीरियस लिया है इन्होंने, यहां तक कि उनके भाई इनपुट्स ये तक पता चल रहे हैं कि भाई यूनिवर्स में भी आगे अपना अच्छा खासा ऑरा रखने वाले हैं, इनकी भाई वैल्यू होगी आगे जाकर। मूवी में दो काफ़ी बड़े कैमियो दिखे हैं, एक पार्ट 1 से एक कनेक्शन हमें दिखाया गया पंकज त्रिपाठी सर का, हाँ मतलब उनकी कोई पसंदीदा औरत। एंड हाँ देखो, मैं इस मूवी का भाई लेट नाइट वाला शो जो लोग कह रहे हैं भाई रात में देखेंगे मज़ा आएगा हॉरर, भाई इतनी हॉरर नहीं है मूवी कि यार तुम्हें रात में रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हॉरर मूवी यार अगर प्रॉपरली अगर तुम देखना चाहो, जो तुम्हें फील बनाए भाई रात के टाइम हो, तो तुम मोस्टली हॉरर मूवीज़ को मैं कहता हूँ कि भाई अकेले इन्जॉय करो, भाई तुम्हारी गांड फटके हाथ में आ जानी है। पर ऐसी नहीं कि भाई वो हॉरर कॉमेडी हो, तुम भाई तुम्बाड़ जैसी मूवी देखो जो कोई भाई अपना माहौल बनाती है पूरा, उसका BGM, उसका एक एक जंप स्केयर भाई तुम्हारी गांड फाड़ने की हिम्मत रखता है, जो कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो भाई ये मूवी हॉरर जॉनरा में तो आती ही नहीं है, ये प्रॉपरली बस एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसको तुम हॉरर एलिमेंट के साथ थोड़े मसाले के साथ बस कॉमेडी देखने के लिए जाओ, इन्जॉय करो। श्रद्धा कपूर भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा एपिक लगी है, और हाँ वो थोड़ी सी मेरी पसंदीदा औरत भी बन चुकी है इससे, हमें इसमें उनकी स्टोरी देखने के लिए मिली है, हमें स्त्री का भी थोड़ा बैकड्रॉप देखने के लिए मिला है, कटा से उनका कैसा कनेक्शन है वो भी देखने के लिए मिला, और एक बहुत बड़ा हमारे भूल भुलैया से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर का समझ जाओ तुम थोड़ा कैमियो देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था, और उसका सेंस बना रहा है कि भाई यूनिवर्स में भी अपनी आगे जाके वैल्यू रखेगा। तो ऑल ओवर देखो अगर बताऊँ तो भाई मूवी देखने लायक है, थिएटर एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि ये मूवी थोड़ा सा वैसी आती है जैसे अपनी जवान और पठान थी, तुम घर बैठ के देखोगे तो तुम्हें मज़ा नहीं है, लेकिन तुम बड़े ऑडियंस के साथ बैठ के देखते हो, हंसते हो, तो भाई तुम मज़ा लेते हो उस पूरी मूवी का। अब हाँ अगर देखो कॉमेडी है तो तुम घर पर बैठ के इन्जॉय कर सकते हो, बट अगर थिएटर में लगी है तो भाई जाओ इन्जॉय करो, मज़े आएंगे। तो यस, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, अपने यूनिवर्स को लेके थोड़ा सा सीरियस हो रही है, बस मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा डार्क और हॉरर एलिमेंट्स को इसमें थोड़ा और सीरियस लिया जाए और इसको अच्छे से बिल्ड किया जाए, और इसके कनेक्शंस आगे जाके हमें भेड़िया 2, मुंजा 2 और फिर हमारी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी से भी कनेक्टेड दिख रही हैं। एंड उसकी अगर तुम देखो फोकलोर स्टोरीज जानना चाहते हो तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, बट अगर तुम बताओगे तो चैनल की रीच वैसे ही डाउन है, तो भाई फालतू मेहनत नहीं करूँगा यार अभी। बाकी अगर देखो तुम लोग चाहते हो तो भाई मैं इसके यूनिवर्स के और फ्यूचर प्रेडिक्टेबल्स और थ्योरीज पे वीडियो ला सकता हूँ, तो चलो फिर जाओ भाई इस मूवी को एंजॉय करो, काफ़ी मज़ेदार है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और थोड़ा यार लाइक शेयर कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इस चैनल को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, या फिर शायद बंद ही कर दूंगा, तो कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तुम लोगों का। बाकी मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ हम डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। चलो फिर, द बॉलीहोलिक की तरफ से मैं हूँ आर्यन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। You're still here. It's over.